सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रैवलोफीलिया व्लॉग्स। तो दूसरा व्लॉग डाल रहा हूँ ये लंबे 7 महीने के ब्रेक के बाद। अभी फिलहाल इवनिंग का टाइम है एंड आई एम रेडी फॉर माई जिम। तो तैयार वगैरह हो गए एंड 6:15 के आसपास का टाइम है। अराउंड 7 o'clock के आसपास मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ ना, तो आज थोड़ा ऑफिस में काम था, दैट्स द रीज़न कि आज थोड़ा लेट जा रहा हूँ। लास्ट वाले व्लॉग में जल्दी चला गया था। फिलहाल प्री वर्कआउट बना लिया, प्री वर्कआउट ले रहा हूँ यहीं। यहाँ से 10-15 मिनट्स जाने में लग जाते हैं मेरे को, तो इसी टाइम लेता हूँ जनरली मैं प्री वर्कआउट वगैरह, गाड़ी में रख लेता हूँ साथ साथ। तो फिलहाल निकला जाए गाइस एंड वर्कआउट जो आज का है वो है पुल डे। कल था पुश डे, टुडे इज पुल डे। पुल डे में क्या क्या चीज़ें मैं करता हूँ? पुल डे में फर्स्ट ऑफ ऑल तो होती हैं गाइस बैक की एक्सरसाइज, रियर डेल्ट्स की एक्सरसाइज एंड बाइसेप्स। तो ये जितने भी मूवमेंट्स होते हैं ना, ये सारे पुलिंग वाले मूवमेंट्स होते हैं मोस्टली। तो ये मैं पुल डे वाले दिन करता हूँ। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है एंड इस बार बारिशों ने तो अच्छा खासा कमाल कर ही दिया। फिलहाल मैंने आपको बताया था ये मैंने नया कैमरा लिया है ब्लॉगिंग के लिए, उसमें पॉकेट 3। जितने भी जनरली जो गाड़ी में माउंट होते हैं कैमराज, वो होते हैं या तो GoPro माउंट होता है या Insta360 वगैरह माउंट कर लेते हैं लोग, बट दोज आर एक्चुअली वेरी पैथेटिक फॉर लो लाइट। तो इसका सेंसर साइज बड़ा होने की वजह से ना, ये लो लाइट में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है ये वाला कैमरा। तो सारी चीज़ें रिसर्च करके ये कैमरा लिया, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई जल्दबाजी में ले लिया, हर चीज़ इसकी स्टडी करी देन उसके बाद ये कैमरा लिया मैंने। जैसे अब ये सामने का एंगल दिखा रहा हूँ, जस्ट एक क्लिक करूँगा एंड ये पीछे हो जाएगा वापस मेरी तरफ। सी अपने आप ट्रैक कर लिया इसने, तो बहुत ईजी है गाइस यूज़ करने में। सो गाइस एक और चीज़ है इसके अंदर, जैसे मैंने ना अभी ये वाला कैमरा अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया एंड इसे किसी भी डायरेक्शन में देखो मैं रोटेट कर सकता हूँ थ्रू माई मोबाइल। अभी मैं मोबाइल सामने लगाया हुआ, किसी भी डायरेक्शन में मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा इसके लिए मेरे को, बट जो भी कहो भाई बहुत ही बढ़िया चीज़ है एंड कन्वीनियंट है गाइस। जैसे ये सामने गाड़ी जा रही है, इसको मेरे को ट्रैक करना है, इसको मैं ट्रैकिंग पे लगा दूंगा। इस गाड़ी को देखो आप गाइस, मैं जहाँ पे भी जाऊँगा ना गिम्बल इसको ट्रैक कर लेगा। ये देखो क्या ही बढ़िया शॉट आ रहे हैं ना गाइस। फिलहाल गाइस पार्किंग पे लगा दिया गाड़ी, चलते हैं ऊपर एंड होपफुली आज अगर ज़्यादा भीड़ नहीं हुई तो रिकॉर्ड कर लूँगा गाइस आज। Thank you.
बस बढ़िया। आप जल्दी निकल रहे हो? हैं जल्दी आ गया था आज। सो गाइस फिलहाल हो गया वर्कआउट अपना पूरा एंड इट वाज अ गुड डे। मतलब जब से मेरे को शोल्डर इंजरी हुई है ना तब से थोड़ा लाइट ही कोशिश कर रहा था मैं एक्सरसाइज करने की। एंड बाकी आज थोड़ा मैंने पुश करने का ट्राई किया एंड कुछ ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं हुई भाई। तो फिलहाल ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड वर्कआउट टुडे। तो चलते हैं, ऑलमोस्ट टाइम हो गया 8:36 एंड क्लोज टू 750 कैलोरीज बर्न की है वर्कआउट के अंदर। बाकी एडिशनली जो पूरे दिन में ट्रैक होती रहती हैं उसमें 200-250-300 कैलोरी एक्सेस में होती हैं। तो जो बेसिकली मैं अपना खाने का टारगेट रख के चलता हूँ वो जो मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज का है वो है अराउंड 2500 का एंड ऑलमोस्ट 2200-2300 के आसपास रखता हूँ। थोड़ा सा डेफिसिट में रखता हूँ सो दैट कि जस्ट इन केस। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैलोरीज में काउंट नहीं करते कि हम कोई भी खाना खा रहे हैं उसमें अगर एक्सेस ऑयल डल जाए या कुछ भी हो जाए तो वो चीज़ आप प्रैक्टिकली ट्रैक नहीं कर सकते। तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें मार्जिन छोड़ के चलना पड़ता है कि 200-300 कैलोरीज का, कि जस्ट इन केस किसी सब्जी आप वेजिटेबल्स खा रहे हो या कोई भी आप चीज़ खा रहे हो उसके अंदर एक्सेस ऑयल डल जाए या फिर छोटा मोटा जो आप मंचिंग कर लेते हो हल्की फुल्की तो उसमें वो 200-300 कैलोरी का गैप रख लेता हूँ मैं। एंड ओवरऑल जो मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से मेरा वेट लॉस सही जा रहा है। आप चीज़ें जो भी आप खा रहे हो वो आप कई सारी ऐप्स के अंदर डाल सकते हो, माई फिटनेस पैल करके हेल्दीफाई करके है। तो मैं हेल्दीफाई ऐप के ऊपर अपने सारा जो भी मैक्रोज वगैरह जो भी खाता हूँ ना वो सब उसके ऊपर ट्रैक करता हूँ एंड माई फिटनेस पैल भी है बट मेरे को ज़्यादा कन्वीनियंस मैं स्टार्टिंग से जो है हेल्दीफाई यूज़ किया तो उस वाली ऐप के ऊपर बढ़िया से ट्रैक हो जाता है मेरा। उसमें हम जो भी अपना फूड डालते हैं ना वो आपका बेसिकली फीड हो जाता है तो बार बार आपको वो सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली जस्ट वहाँ पर जाकर टैप करो और वो एंटर हो जाता है। शुगरी चीज़ें ज़्यादा नहीं, जितने भी प्रोसेस शुगर्स वाली जो चीज़ें होती हैं वो मैं नहीं खाता। वंस इन अ ब्लू मून कभी क्रेविंग्स हुई हल्की फुल्की तो खा ली एंड बाकी भाई फ्राइड बिल्कुल अवॉइड करता हूँ मैं फ्राइड चीज़ें खाने का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बस ध्यान में रखनी होती है। बाकी अगर आपकी एक्सरसाइज ऑन पॉइंट है एंड उसके अलावा सबसे मेन जो मैटर करता है ना वो मैटर करता है भाई कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी से आप करोगे तो आपको सूनर और लेटर आपको रिजल्ट उसमें, किसी को धीरे किसी को फास्ट, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको दिख ही जाएंगे। एंड सेकंड चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भाई स्लीप। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। रात को रीले स्क्रॉल कर करके ना कई बार मेरे को भी 1:30-2 बज जाते हैं इस चीज़ में एंड अगले मॉर्निंग फिर मैं रिग्रेट करता हूँ उस चीज़ को। तो स्लीप, फूड, एक्सरसाइज एंड व्हाट एल्स, ये तीन चीज़ें हैं यार। इन चीज़ों को रिपीट करो, कंसिस्टेंसी से चलो तो भाई कोई माइकल आल नहीं है जो आपकी बॉडी बनने से रोक सके। तो गाइस फिलहाल मैं घर पहुंच गया था एंड डिनर वगैरह बढ़िया से हो गया एंड प्रोटीन शेक भी ले लिया था एंड थोड़ी बहुत उसके बाद मैं वॉक कर लेता हूँ सो दैट कि एकदम खाना खाने के बाद सोऊं ना, थोड़ा इधर उधर चल लेता हूँ। आज गाइस मैंने थोड़ा कोशिश किया कि आज जिम में जाकर ना थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लूँ एंड बड़ी मुश्किल से किया, मैंने सीरियसली बता रहा हूँ बहुत मुश्किल से किया, बहुत शर्म आ रही थी। अराउंड 6-7 months पहले जब मैं ब्लॉग करता था मैं कोई इशू नहीं होता था, मेरे को आदत पड़ जाती है ना। तो फिलहाल उसके बाद जब 6-7 महीने नहीं किया ना अब तो मेरे को कैमरा पकड़ने में भी ऐसा लगता है कि भाई लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ, मतलब नेगेटिव पार्ट मान लो चाहे इसे पॉजिटिव पार्ट मान लो, लेकिन दिस इज़ पार्ट ऑफ यूट्यूब कि लोग आपको ऐसे घूरते हैं ऐसे पता नहीं आप क्या कैरी करके घूम रहे हो। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अगर मेरे को अपना ये फिटनेस से रिलेटेड आपके सामने कंटेंट रखना है तो वो तो गाइस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंड होपफुली आने वाले टाइम में अगर आपकी दुआ से अगर चैनल बढ़िया चल जाता है तो आई विल हायर अ वीडियोग्राफर, तो उसकी भी टेंशन फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर तो बढ़िया एकदम DSLR वगैरह पर शूट करूँगा। एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि मेरे पास एक मशीन है जिस मशीन के बारे में आपको दिखाना था वो एक बार दिखाता हूँ मैं गाइस। सो गाइस बेसिकली जिस मशीन की मैं बात कर रहा था वो ये वाली मशीन है। तो दिस इज नोन एज टेंस मशीन। तो टेंस किस लिए होती है भाई, इसके कुछ फुल फॉर्म कुछ तो होती है भाई, थर्मो करके कुछ होती है, इलेक्ट्रिक कुछ इस तरीके की मशीन है। तो बेसिकली आई रिकमेंड दिस मशीन टू एवरी जिम गोइंग पीपल, मतलब जो भी जिम में जा रहे हैं ना उनके पास ये वाली मशीन होनी चाहिए। इसका रीज़न क्या है, रीज़न मैं आपको बताता हूँ अब। तो रीज़न ये है कि जिम में जाते हो आपको स्टिफनेस हो जाती है, हम कई बार सही से स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं,
वर्कआउट के बाद हम स्ट्रेचिंग नहीं करते, दोनों इंपॉर्टेंट होती है कि वर्कआउट के बाद भी आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं एंड वर्कआउट से पहले भी आप अच्छे से स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी वगैरह कर रहे हैं, सो दैट कि आपके जॉइंट्स सेफ रहें, लिगामेंट्स टेंडन्स ये सारी चीज़ें सेफ रहें। तो फिलहाल कई बार हम उस चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं एंड उस चक्कर में क्या होता है कि हमें हमारी स्टिफनेस आ जाती है उस मसल में एंड धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते हैं ना, तो उसके बाद कोई ना कोई इंजरी होने के आपको चांसेस रहते हैं। तो इंजरी हमारी बॉडी ट्रीट कैसे करती है, इस तरीके से करती है कि सपोज़ मैं ये हाथ हिला रहा हूँ तो इसका क्या हो रहा है कि मेरे ब्रेन से मेरे नर्व्स पे सिग्नल जा रहे हैं, नर्व्स में न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रैवल होता हुआ मेरे मसल्स को सिग्नल जा रहा है कि हाथ इस तरीके से हिलाना। तो ये मशीन भी आर्टिफिशियली उस तरीके का काम करती है, इसको ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक कि ज़रूरी ना हो। तो फिलहाल ये काम कैसे करती है कि इसके अंदर एक मशीन होती है जो कि आपके ब्रेन का काम करती है, इसके अंदर वायर्स होती हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक पल्स वगैरह या इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल करता है जो हमारा नर्व्स का काम करती हैं, एंड उसके आगे जो पैड्स होते हैं स्टिकी पैड्स होते हैं जो कि आपके किसी भी मसल पे जहाँ पे आपको स्टिफनेस फील हो रही है या जहाँ पे आपको इंजरी हो रखी है तो वहाँ पे आप प्लेस कर दो, तो वो कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन करता है सो दैट कि उस जगह पे ब्लड फ्लो बढ़ जाए। तो ब्लड फ्लो बढ़ाने का रीज़न ये है कि किसी भी जगह पे आपको इंजरी होती है तो आपको वहाँ पे ब्लड फ्लो जितना बढ़ेगा उस जगह पे तो उतनी जल्दी बेटर उसकी रिकवरी होगी, उतनी फास्टर रिकवरी होगी। तो ये मोस्टली अगर आप फिजियोथेरेपी वगैरह करवाते हो ना तो वो ये मशीन अच्छी, मतलब उनके पास थोड़ी खैर महंगी वाली मशीन होती है तो ये आपको उनके पास मिल जाएगी। तो अभी रिसेंटली मैं फिजियोथेरेपी करवाने गया था, 3-4 सेशन लिए थे मैंने अपने शोल्डर रोटेटर कफ जो मेरा टीयर हो रखा है उसके लिए लिए थे। तो उसके बाद मैं ये चीज़ अपना अमेज़ॉन के ऊपर सर्च करी एंड अमेज़ॉन के ऊपर डिफरेंट रेट्स में आ गई थी, बहुत ही मतलब कोई महंगी डिवाइस नहीं है, 1500 से स्टार्ट हो जाती है एंड गोज़ अप टू लैक्स। तो फिलहाल ये जो मशीन मैंने ली है ये अल्ट्रा केयर प्रो नाम की कुछ मशीन है एंड 2500-2600 की मशीन पड़ी है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि गाइज अगर आप जा रहे हो ना जिम में तो अगर छोटी मोटी आपको इंजरीज हो रही हैं, सोरनेस हो रही है किसी जगह पे, स्टिफनेस लग रही है तो उस जगह पे आप प्लेस करके अपनी करंट की या उस पल्स की इंटेंसिटी अपने अकॉर्डिंगली जो आपको कंफर्टेबल लगती है वो चूज़ करके आप 15-20 मिनट्स करोगे ना तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। मेरी शोल्डर इंजरी, इतनी मेजर इंजरी के बावजूद मैं एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ ना, तो मेरे हिसाब से मैं इसी के वजह से कर पा रहा हूँ। मेरे को अभी शोल्डर जो रोटेटर कफ टीयर हुआ है हार्डली 7 डेज हुए हैं उसको एंड स्टिल मैं अभी शोल्डर प्रेसेस भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। तो रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर किसी को चाहिए होगा लिंक तो वो मैं कमेंट्स में डाल दूंगा, कमेंट कर देना उसमें मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हो। एंड बाकी इस वीडियो को गाइज यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय, पीस आउट।